ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे मामा तुम्हें पता है मेरा दिल करता है इन बालों की चुटिया बनाऊं। उससे क्या होगा बच्चू? अरे बाबा बिल्कुल भैंस की दुम की तरह लगेगी। आप मुझे भैंस से मिला रहे हैं? अरे बाबा कोई आम भैंस नहीं है, मेरी अपनी प्यारी मुंजी भैंस। बच्चू आपके दिमाग से ना भैंस निकलती ही नहीं। अरे बाबा कैसे निकलेगी, बचपन से लेकर जवानी तक उन्हीं के साथ पला बड़ा हूं ना बाबा। कमाल करते हैं आपसे बच्चू। मेरा एक और चीज करने का दिल कर रहा है। क्या? बाबा आपको मैं सोने की पाजेब पहनाऊं और फिर जब आप चलेंगी ना तो बिल्कुल भैंस की तरह लगे। अरे बाबा आप बिल्कुल ऐसे देख रही हैं जैसे भैंस को चारा डालने से पहले भैंस देखती है ना, यूं करके बाबा वैसे ही देख रही है। आपसे तो बात करना फजूल है, आप घूम रहे हैं अपनी भैंसों के साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, हर वक्त भैंस भैंस, काम करना मुश्किल है। अरे बाबा मैंने क्या किया है बाबा, मैं तो प्यारे भरी बातें कर रहा था। मुझी भैंस मुझी काऊ बाबा। एक काम तो करें, बाहर से आधा किलो दही पकड़ लें फटाफट। अच्छा तुमको तमिल से बात करने का, मैं दही लेके आएगा? मेरा मतलब है वो आप हर वक्त घर में होते ना तो मुझे आप घर के फर्द ही लगते हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा एक और बेइज्जती किया कि आप हर वक्त इधर ही रहते हैं। अच्छा माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। अच्छा बात तुमने माफी मांग लिया, नहीं तो तुम्हारे सर का दही जमा देता मैं। अच्छा खैर सेठ साहब आप बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आता हूं। एक बात का ध्यान रखने का। वो क्या? कोई भी है ना उसको बोलना कि मैं नहीं आया। ठीक हो गया, मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि फिर कोई मुसीबत आने वाली है। जाओ पानी लेकर आ मेरे। मैं ले आऊंगा। क्या बात? चंदा चंदा नाना चंदा चंदा। तुम क्यों नाराज है, क्या बात है? नहीं पापा मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने नया जूता खरीदा था वो नहीं मिल रहा। मैं अभी ढूंढ के देता। मैं क्यों ढूंढेगा, पहले अपने बाप से तो मिल लो ना। अरे पापा आप कौन सा पहली बार आए हैं, रोज तो यहीं पे होते हैं। तुमको नहीं पता इस दफा ना खौफ से इधर आया है। क्यों क्या हुआ? कुछ अरसे पहले मैंने टिंगू नामी लड़के से तुम्हारे शादी पक्का कर दिया था, अब वो कह रहे कि मैं अपनी बीवी को लेने आएगा। अरे तो आपने बताना था ना कि सीमा की शादी हो गई है। बताया। फिर वो कहता है कि मैं इसके शौहर को मार दूंगा, इसके बाद मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। कड़िया लगा रहे हमको। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? बच्चू कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं। क्या हुआ इतनी जल्दी में बुलाया? मैं तो डर गई, पता नहीं क्या हुआ है। वो ना मेरे पापा ने ना मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, लेकिन वहाँ शादी नहीं हुई और अब वो वापस आ गया और वो बदमाश है, गुंडा है, कह रहा है कि मुझे सीमा से दोबारा शादी करनी है। अब तुम क्या करोगी? इसी बात का मशवरा करने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम एक काम करो। क्या? तुम अपने शौहर को सब सच सच बता दो, फिर वो जाने और वो बदमाश बच्चू को। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे शौहर की हो जाएगी, उसके बाद वो जाने और वो बदमाश। हाँ वैसे मशवरा तो बहुत अच्छा है। हम तो अच्छा मशवरा ही देते हैं, इसके अलावा और कोई मसला? हाँ एक और मसला है, किचन में ना बर्तन पड़े हैं वो भी धोने हैं। क्या सीमा तुम बहुत मजाक करती हो। अब जाके बच्चू से बात करती हूँ। अरे बाबा ऐसी लड़की को तो गोली मार देनी चाहिए। अरे इसमें लड़की का क्या कसूर है? इसका क्यों नहीं है कसूर, अगर मैं इसकी जगह पे होती ना तो इसको गोलों से नोच कर रख देती मैं। अरे जरा दिमाग से सोचो, वो बदमाश शादी के बाद लड़की को तंग कर रहा है, इसमें लड़की का क्या कसूर? अरे बाबा ऐसे कैसे तंग कर रहा है, कोई किसी को कैसे तंग कर सकता है?
हाँ मेरे को कोई तंग करके तो बताए तो फिर मैं उसको देख लूंगी। तुम दो रहने ही दो जरीना, तुम्हें तो मसला इसी बात का कि तुम्हें कोई छेड़ता ही नहीं है। देखो तो आप बिल्ला बजाना मेरे से योला जा रही है। चुप कर। मैं क्यों चुप करूं? तुम्हें मसा इसी चीज का है कि तुम्हें कोई छेड़ता नहीं। तुम बस चाहते कि कोई ना कोई आए मुझे बातें करे। अरे बाबा चुप करो, एक ट्रेन को लेकर लड़े हो कौन लोगो बाबा? अरे बच्चों क्या मजरा हो गया? अरे बाबा देखो ना, ये एक ड्रामे के लिए लड़ रहे हैं दोनों। ओहो कुछ नहीं मिला तो ड्रामे पे शुरू हो गए आप। मैं नहीं शुरू हुई, ये शुरू हुई है। अरे तुम चुप करो, ज्यादा बात करने की इसकी हर वक्त साइड लेते रहते हो। देख नहीं रहे हो तुम, ये बहुत दोनों मिलकर मेरे को डांट रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, तुम हर वक्त लड़ती रहती हो मेरे साथ। मैं नहीं शुरू हुई, ये बोल रही है, इसको चुप कराना मैं बता रही हूं। तुम अपनी बहन को क्यों नहीं पूछ रहे? चुप रहे भाई, ये मेरे से बदतमीजी करती है। गाल पे तो लड़ती क्यों नहीं? गाल पे लड़ती है, हर वक्त लड़ती है, ये मुझे हर बात बोलती है। क्या अपने आप को, ये दोनों कहां चले गए? डरा दिया तुमने मेरे को। मैं तो खुद डरी डरी घूम रही हूँ पापा। ऐसा ही हाल को जो मेरा भी है बेटा। लेकिन पापा करना क्या है? कुछ करना नहीं करना वो बात नहीं है, अगर वो आ गया ना तो बहुत मसला खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा गुंडा है वो। लेकिन उसे क्या पता कि आप यहाँ हैं? उसको सब मालूम है। मतलब उसको पता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? तुम्हारा भी पता है, मेरा भी पता है उसको। तो पापा आप यहाँ क्यों आ गए? वो मुसीबत तो यहाँ भी आ टपकेगी। जो भी होगा साथ मिलके भुगत लेंगे ना बेटा। वाह वाह पापा, अपनी मुसीबत हमारे गले डाल दी आपने। अब तो डालेगी ना। पापा आप ना बच्चे को बता दें सब कुछ सच सच। मैं नहीं बताएगा बच्चों को, वो जज्बाती आदमी पता नहीं क्या मसला खड़ा कर दे। मेरे लिए प्लीज पापा। नहीं ऐसा नहीं करने का। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही जाके बच्चों को सब कुछ बता देती हूँ। रुको रुको, तुम भी बहुत जज्बाती है जी। तो और मैं क्या करूँ पापा? तुम परेशान नहीं होने का, मैं बच्चों को सारा बात बता देगा, ठीक है? और बच्चों को साफ साफ बता दीजिएगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। तुम्हारा मतलब है कि सारी जिम्मेदारी अपने सर लेने का? तो और क्या, मैंने वादा किया था उस टिंकू से। अच्छा मैं जाके बच्चों से बात करता हूं, घबराना नहीं। हाँ ठीक है। अरे बाबा गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं होता था जो मुझे हरा सके बातें करने में। अरे बाबा क्या बात करता बाबा, कुश्ती करने में। वाह भाई तुम कुश्ती भी क्या करते थे? अरे बाबा ऐसी वैसी, बड़ा मशहूर था मैं भागने में। अरे बाबा क्या बात करता, भागने में नहीं बाबा, गिराने में जो कुश्ती करता था भैंस को। क्या बात करता बाबा, जो सामने कुश्ती करता था ना उसको पागल है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। हां बाबा ऐसे ही है। बच्चू भाई सेठ हशमत अंदर बुला रहे हैं आपको। अच्छा बाबा वो मेरे ससुर हैं सेठ हशमत। चले अब हम चलते हैं। नहीं नहीं मैंने अंदर चाय पानी का बंदोबस्त किया आप लोगों के लिए। अच्छा चलो बाद में से। इतनी मेहनत की मैंने और फजूल में आप कह रहे हैं कि फिर कभी सही है? क्या मतलब? कोई बात नहीं कोई बात नहीं बाबा, जाने दो, खैर है, गुस्सा नहीं करो। आप लोग जाओ बाबा, फिर पियेंगे चाय। जाओ बाबा जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा। क्या जानी तुम लड़ता है दोस्तों से मेरे। चलो फजूल दोस्त। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चों मैं तेरे से एक जरूरी बात करने का। पापा जानी बोले क्या बात है? वो जो बाबा संजीदा मसला है ये तो बहुत, इसलिए तो मैंने सोचा कि तुमसे बात करने का। क्या नाम है बाबा उस बदमाश का? टिंगू। मेरे को डर लगता है तुम लोग हंस रहे हैं। अरे पापा जानी नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या होगा, टिंगू। टिंगू तुमको नहीं पता कितना खतरनाक बदमाश है वो, बहुत बड़ा बात बोल रहे हो। सेठ साहब नाम जितना ही होगा टिंगू। अरे पापा जानी आने दे, देख लेंगे कितना बड़ा बदमाश है, आप फिक्र ना करें। हैं भाई जानी कुछ में नाम कैसे यार? नहीं आसो, बहुत बड़ा बदमाश है। ये ले बच्चू दूध पी ले। अरे बाबा ये किस लिए? अरे वो टिंगू से लड़ने वाले हैं ना आप, इसलिए। अरे बाबा उस टिंगू को मैं फूक मार कर उड़ा दूंगा बाबा, तुम दूध पिला रही हो। अच्छा मान लेती हूँ आपकी बात,
लेकिन थोड़ा दूध पी ले, एनर्जी आएगी। नहीं पापा, मैं नहीं पीता। पी लेना बच्चू। पी लेना ये वाला दूध। बाबा नहीं, इतना दूध नहीं पी सकता पापा मैं। इतना दूध कभी तो पिया ही नहीं। ये है दूध। अरे बाबा मैं जंग पे थोड़ी जा रहा हूँ। आप दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ। मैं क्यों पीऊँ दूध? क्यों जाने, जब तुम्हारे साहब लड़ेंगे तो तुम क्या भला उनकी मदद नहीं करोगे? बोलो बला। जाहिर है करूंगा करूंगा करूंगा। चलो बला फिर ये हल्दी वाला दूध पियो आप दोनों। अरे बाबा उस टिंगू के लिए इतना इंतजाम। अरे टिंगू, नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा वो। सही बात है बाबा, इतना नहीं बाबा, इतना ही लगता है मुझे तो। अच्छा छोड़ो ये बातें, थोड़ा थोड़ा पी लेना दूध। जानी तुम भी पी। अच्छा हाँ बाबा ठीक है। कहाँ भाई कहाँ है टिंगू? कहाँ भाई कौन है? क्या बोल रहे? क्या कह रहे भाईजन, लड़ाई झगड़े में क्या फायदा है? बाबा बैठ के बात करते हैं ना आराम से। बेटा वैसे मैं यहाँ बैठ के बात करने आया नहीं। पानी पीने आया होगा मेरा भाई पाला, मैं अभी लाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा ऐसे बात करते हैं क्या मेहमान से? बाबा बुरी बात होती है, बिठा के ड्राइंग रूम में आराम से बात करेंगे। चलो बाबा बात सुनो। अरे बाबा सुनो। बाबा आप बैठो ना, शरबत वरबत पियो। जाओ बाबा जानी शरबत लेकर आओ साहब के लिए। हाँ बाबा जाओ। अबे मेरी सुनो। अरे बाबा मेरी बात सुनो। अबे चुप कर, बात सुन। मैं यहाँ सीमा से शादी करने आया हूँ। क्यों बात करता है बाबा? मेरा मतलब है बाबा कि सीमा की तो शादी हो चुकी है, अब इन सब बातों का क्या फायदा? शादी हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं उसके शोहर को मार दूंगा और इस हशमत को भी। किधर है ये ब्लाउज? अरे बाबा अभी हशमत नहीं है घर में। ओए जो वादा किया ना सेठ हशमत ने, वो आज निभाना पड़ेगा, वरना यो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे बाबा देखो। ओए मैं कुछ देखने नहीं आया। काय सीमा बोलो, और ओ उसका मरहूम शौहर उसे भी बोलो। तू क्यों हंस रहा है? यही तो है मौसूफ। क्या इतनी देर से ड्रामे कर रहा? एक ठंडा पिए, आप ठंडे हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए। जी बाबा बैठो बैठो। चलो बाबा चलो सीमा को बुलाओ। अरे बाबा तुम पागल हो गया, सीमा को उसके सामने लेकर जा रहा है। अरे बच्चू भाई, मैंने नींद की गोलियों का पूरा पत्ता जो है ना उस शरबत में डाल दिया, आसानी से होश में नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा बाबा, ये तो बहुत खतरनाक बात है। अरे भाई फिक्र ना करें, मेरे पास एक प्लान है। करना ये सीमा मैडम खास तौर पे आमने, करना ये बाबा। बात तो ठीक है लेकिन देख लेना फंस ना जाए। लेकिन जाने अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? क्यों उल्टा होगा, बस जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा आप लोग करें। ठीक है जानी, मैं फिर जरा अपना हुलिया बिगाड़ लेती हूँ। ठीक है चलो ठीक है। हाँ चलो। बच्चू भाई ये दोनों तो चली गई, हम दोनों भी कुछ कर ही लेगा। हाँ बाबा करते हैं। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी आपने बुलाया? ये सीमा कितना बादशकल हो गया, अब तुम्हारे काबिल ही नहीं रहा ना वो, अब तो इरादा चेंज कर दो ना। नहीं कभी नहीं। टिंगू जी मुझे ना कुछ कहना था आपसे। हाँ
ये देखना टाइम ही कितना हो गया, देखो ये देखो कितना टाइम हो गया, देखो ओह बहुत टाइम हो गया। ए, मैं ये कह रहा था हाँ हाँ बहुत टाइम हो गया। अच्छा अच्छा भला फिर तुम मुझसे वादा करोगे तो मुझसे ही शादी करोगे? वादा करता हूँ तुमसे, मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा, वादा करता हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी ये मुझे क्या हो गया यार? तू चाय लेके क्यों खड़ा है? अरे बाबा जरीना, इसी ने तुमसे शादी का वादा किया था ना। अब तुमसे शादी करूंगा। मैंने इससे वादा नहीं किया था, मैं तो सीमा से वादा किया था। सीमा से? अबे झूठ बोल रहा है, मेरे पास सबूत है, ये देख ये देख। देखो बाबा देखो। अबे यार मैंने इससे नहीं किया वादा यार। अरे बाबा तुम हमारे घर की इज्जतों से खेलता है, हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है क्या? बहुत ही घटिया आदमी तुम। बाबा पकड़ो, जानी बूझे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बाबा पकड़ो, बाबा पकड़ो, पकड़ इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा। वाह 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 वाह, क्या बेवकूफ बनाया तब लगना। और बच्चू आपकी एक्टिंग वाह वाह। लो भला कभी मेरे भी कोई बंदा तारीफ कर दिया करे इस घर में। नहीं नहीं जरीना, तुम्हारी हिम्मत को तो सलाम है। हाँ बाबा, वैसे जानी ने जो आइडिया दिया था ना, कमाल था बाबा। वाह जानी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा मैनेजर है। कैसा मजा आया, डर के भागा वो। अब नहीं आने का कभी। ये बात तो है, ये बात। अबे तू फिर आ गया। अबे मेरी बात तो सुन लो यार, एक बात तो सुन लो मेरी। बोलो। हाँ मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की की जिंदगी खराब करनी चाहिए। हैं? तो अगर मैंने वादा किया कि मैं इससे शादी करूंगा तो मैं शादी भी इसी से करूंगा। वो आदमी नहीं है जो मेरे से कम खूबसूरत है, उसकी बेटी है। हाँ हाँ, वो जो जिसकी आपकी बीवी की जैसी फजल बीवी है। हाँ बाबा वही वही वही। क्या रोल कर रही है, वाह 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 वाह। अभी अपने शौहर की ना दूसरी शादी खुद करा रही है, देखो। हाँ ना, और यहाँ देख हमारी किस्मत, एक शादी के लाले पड़े हैं, वहाँ बीवियाँ दूसरी शादियाँ करा रही है बस। अरे मैडम इतनी सी बात पे इनको घर से निकालना अच्छी बात थोड़ी है, खाम खा बाड़े में जाके रहेंगे फिर। नहीं नहीं जानी बाबा, ये भी हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से निकालने का तय कर लिया हो। अरे हो सकता है, इनको हमारी शादी का ख्याल आ गया है तो अच्छी बात है, घर की बात घर में रहेगी। क्या 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 बकवास कर रहे जानी, अपनी शक्ल देखी है तुमने? आधा देख रहे, ये क्या बोल रहा है? अरे बाबा जानी तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं वाकई तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन बाबा सीमा ऐसा हो क्या गया है बाबा? वरना मुझे सजनी जैसी बनना है। अरे बाबा ये सब क्या हो रहा है, फिर तुम लोगों ने लड़की बुला ली है? आपके लिए लड़कियां पसंद कर रहे हैं। अरे बाबा तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूं? लो भला भाई ने खुद बोला है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे भी ना सजनी की तरह अजीम औरत कह के बुलाएं। अरे बाबा किसी अजीम नामी शख्स से शादी कर लो और तलाक ले लो, लोग तुम्हें खुद ही मिसेज अजीम कहेंगे। कर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर।